अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और दुआ है कि जहाँ रहें शादो आबाद रहें, खुशियों से आपका दामन हमेशा हमेशा भरा रहे। आमीन सुम आमीन। आज मैंने अपनी अलमारी खोली तो उसमें से मुझे अपनी ये वाली क्रीम पे नज़र पड़ी, तो मैंने इसको यूज़ किया और फिर मैंने सोचा कि इसका भी इस्तेमाल बताया जाए। ये वाइटनिंग और मॉइस्चराइजिंग लोशन है। ये स्किन केयर नेचुरल एक्सट्रैक्ट के साथ है, यानी कि ऑलिव की खसूसियात इसमें पाई जाती हैं। और वाइटनिंग लोशन है ये, एक डीप मॉइस्चराइजिंग लोशन भी कह सकते हैं। और ये फाउंडेशन के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वाइटनिंग लोशन के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब कि ये वाइटनिंग लोशन भी है, फाउंडेशन भी है और मॉइस्चराइजिंग लोशन भी है, मतलब कि 3 in 1 है। और जो है वो हेल्थी ग्लोइंग स्किन आपको चाहिए, स्पॉटलेस स्किन चाहिए और तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, मज बनी हुई है। ये मतलब ये नहीं है कि मज है इसमें, इसका मज का दूध है इसमें गाय का, और साथ में ऑलिव्स मिक्स हैं, तो ये बड़ा अच्छा इंग्रेडिएंट है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऑल स्किन टाइप है, और ऑयली स्किन हो, ड्राई हो, कम्बिनेशन हो, सब स्किन वाले इसमें आप लगा सकते हैं। तो जी वाइटनिंग लोशन है, साथ इसके बारे में बताया गया है और अच्छा है। और आफ्टर यूजिंग जो है आपका चेहरा जो है ग्लो भी करता है और मॉइस्चराइज भी रहता है और वाइटनिंग का अमल भी अच्छा रहता है और आपकी एजिंग को भी रोकता है और स्किन की प्रॉब्लम को भी रोकता है। ये सब इन्होंने मेंशन किए हैं। प्राइस जो है इसके आप अपनी जगह के हिसाब से देख सकते हैं कि क्या है इसके प्राइस क्या है। हर एक का अपने अपने ही प्राइस है। तो ये इसमें वाइट कलर का लोशन आपको मिलेगा इस तरह का, तो ये फौरन स्किन पे अब्सॉर्ब हो जाता है और थोड़ी सी वाइटनेस भी छोड़ता है स्किन पे। तो ये देखें चेहरा जो है आपका थोड़ा वाइटेंड हो जाता है, थोड़ा सा थोड़ी बेस टाइप ये लुक देती है। और अगर आपके हाथों पे मेहंदी उतर रही हो, जब उतरने वाली होती है तो ड्राइनेस सी आ जाती है। देखिए ज़रा हाथों का भी हाल बेहाल हो जाता है। तो ये देखिए थोड़ी वाइट सी हो गई है स्किन। तो इसी तरह आपका जो फेस है वो भी थोड़ा वाइट हो जाएगा और मॉइस्चराइज भी हो जाएगा। और जो है ना आप फिर इसके ऊपर मेकअप भी कर सकते हैं हल्का हल्का, मतलब इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि ये एक बीबी क्रीम टाइप चीज़ है, तो काफ़ी अच्छी है और ऑलिव की है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी छोटी क्रीम भी मिलती है। तो बस आज की वीडियो इसके बारे में ही थी, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है मेरी रिव्यू जो मैंने दी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।